जो अन्य पार्टियों ने इस राज्य को लूटा, कांग्रेसियों ने देश को लूटा, आज पहली बार देश का बेटा प्रधानमंत्री है जो ये सोच रहा है कि गरीबों के घर में गैस होना चाहिए, गरीबों का पक्का मकान होना चाहिए, गरीब बाहर शौचालय के लिए न जाए, घर में शौचालय होना चाहिए। इसके लिए अभियान चल रहे हैं और ये कांग्रेसी झूठे नंबर के हैं जो उल जुलूल की बातें करते हैं। इसी तरह आपको ध्यान होगा 2004 के चुनाव में बोलते थे कि साइनिंग इंडिया कहाँ, सोनिया देश के अंदर, और अटल जी को बिस्तर पर सोला दिया, उसके बाद उठ नहीं पाए अटल जी। 10 साल कांग्रेसियों ने झूठ बोलकर इस देश पर शासन किया और उन्होंने कहा कि आज मंदिर राहुल घूमता है, और उन्होंने कहा कि कहाँ राम है, राम सेतु नहीं है, राम नहीं है, हलफनामा दिया उन्होंने, और उसी राम के मंदिर पर दौड़ लगा रहे हैं। कैसे राम माफ़ करेंगे और कैसे देश की जनता माफ़ करेगी, कैसे गरीब माफ़ करेगा जिस गरीबों को लूटा है? उनकी हैसियत हो तो अपने पार्टी का अध्यक्ष किसी गरीब को बनाकर देखें।